गाडरवारा तहसील के ग्राम बांसखेड़ा में समाज सेवी एवं भाजपा नेता माँ नर्मदा संरक्षण व माँ नर्मदा साफ स्वस्थ कैसे रहे इस पर कार्य करने वाले राजेश कुमार गुर्जर के फार्म हाउस पर रात्रि को किसान संगोष्ठी के संबंध में बैठक हुई। उक्त बैठक में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्री चौधरी ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की हितकारी योजनाओं के बारे में उपस्थित सैकड़ों किसानों को अवगत कराते हुए प्राकृतिक खेती के विषय में संवाद हुआ। राजेश कुमार गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि वे पिछले कई वर्षों से खेती कर रहे हैं। पहले 2 एकड़ में करते थे, वर्तमान में 15 एकड़ में गन्ने की खेती एवं गेहूं की खेती जैविक खादों से कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल खेती में नहीं किया जाता है। राजेश गुर्जर की फसलों का मुआयना किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी एवं अन्य अतिथियों ने किया। फसलों को देखकर राजेश गुर्जर की जमकर प्रशंसा की गई और सभी किसानों को इस प्रकार की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। राजेश गुर्जर ऑर्गेनिक खेती कर किसानों के लिए एक मिसाल बने हैं। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, पूर्व विधायक श्रीमती साधना स्थापक, नरसिंहपुर जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष मोहर कांत गुर्जर, जिला महामंत्री मनोज कुमार दुबे, कार्यक्रम संयोजक राजेश कुमार गुर्जर, मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानी को पिछले साल से मैंने स्टार्ट की है। पहले कुछ थोड़े रकबे में की है, 2-2.5 एकड़ से, और आज वर्तमान में 15 एकड़ में मैं इसमें टोटल जैविक कर रहा हूँ, जिसमें कोई भी रासायनिक खाद भी मिक्स नहीं है। किसी भी प्रकार से आप आके यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें रासायनिक है या जैविक है। और आपके सामने जो गन्ने की फसल है वो लगभग 14 फुट से प्लस है, और गेहूं की फसल जो है वो भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से तैयार की है। आप आकर भी देखना चाहें तो इस प्लॉटों को अपने को देख सकते हैं, गेहूं हो या मेरा गन्ना हो, टोटल जैविक है। इसमें मैंने गोबर का खाद, देसी गोमूत्र और डीकम्पोज डाल के उस खाद को मैंने डीकम्पोज करके इसमें खेत में इस्तेमाल किया। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।